नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, देखिए हम आ गए हैं अपने आम के बगीचे में और इस वक्त देखिए हमारे आम के बगीचे में बहुत ही बढ़िया आम तैयार है और हमने यहाँ से तोड़ लिए हैं ये इतने सारे आम। और आज मैं आम की फर्स्ट रेसिपी बनाने वाली हूँ। तो चलिए, आम तो तोड़ लिए हैं और इसकी रेसिपी जो मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाने वाली हूँ। तो दोस्तों वीडियो कर दीजिए अभी लाइक, क्योंकि पक्का बाद में आप लोग भूल जाते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, फटाफट से देर नहीं करते और इसकी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जो आम देखिए हम लाए हैं ना, इसको पहले छील लेते हैं। तो इसको चाकू से नहीं, इससे छीलते हैं। इसको छीलने से हरा वाला भाग जो है निकाल देंगे इसका। ये देखिए जो हरा है ना, इसको भी छील के ऐसे निकाल देंगे। तो आम को छील लिए हैं, तो अब इसके जो है ना छोटे छोटे टुकड़े काट लेते हैं। किसी भी पीसेस में कट कर लें छोटे छोटे। तो इस तरह के मैं पीसेस कट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, आम हम काट लिए हैं और यहाँ पे हमने आग जला लिए हैं और कढ़ाई में डाल लिए हैं थोड़ा सा सरसों का तेल। तो अब इसमें हम डालते हैं देखिए तड़का। दरअसल हम बना रहे हैं आम की खट्टी मीठी लौंजी। तो देखिए ये तेल डाल दिए हैं, तो अब इसमें हम डालेंगे पचफोरन। तो इसमें हम पचफोरन डाल दिए हैं और पचफोरन को बढ़िया सा जो है चटक जाने देते हैं। तो देखिए तड़का लाल हो गया है। ये देखिए पचफोरन का देखिए कलर पूरा अच्छी तरीके से बदल गया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे ये लहसुन और मिर्च। तो अब इसमें हम डाल देते हैं ये कटे हुए आम। थोड़ा सा तेल में आम को देखिए भूनेंगे। तो आम को चलाते हुए थोड़ा भून लेते हैं तेल में, तो इससे आम का जो पीसेस है ना वो बहुत टेस्टी हो जाते हैं। तो थोड़ा सा इसे ज़रूर भूनेंगे, चलाते रहेंगे इसको बराबर, नहीं तो ये आम जो है ना ये जलने लगेगा, क्योंकि ये कढ़ाई जो है वो लोहे की है। तो फ्रेंड्स आम देखिए थोड़ा भून लिए हैं, तो अब इसमें हम डालेंगे गुड़। तो ये देखिए ये जो है ये गन्ने का बना हुआ गुड़ है, ये राब है, तो ये हम डालते हैं। तो ये हम इसमें डाल दे रहे हैं राब। और यहाँ पे आप चाहे तो गुड़ और चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ये इसमें हमने राब डाल दिए हैं, क्योंकि ये हमारे गांव देहात में ये हमारे घर का शुद्ध है, मौजूद है, ये गांव में आसानी से मिल जाता है। बट शहरों में जहां नहीं मिलता वहां पे इस तरह के हम गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके जगह पे चीनी का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। लेकिन यहां पे मैं इस ये गन्ने के जो हमने गुड़ बनाए हैं ये इसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, जो राब हमने बनाए हैं। तो देखिए ये हमने डाल दिए हैं और इसको अब हम पकने देते हैं, करीब 4 से 5 मिनट इसको हम पकने देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए अब इसको हम ढक देते हैं और इसे 4-5 मिनट के लिए धीमी आंच पर पका लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड 5-7 मिनट हो गया है इसे पकते हुए, तो चलिए अब इसे हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये आम जो है बहुत अच्छे से पक गया है और ये जो है गाढ़ा भी हो गया है। तो चलिए अब इसको हम आँच से उतारते हैं और हमारी जो है आम की खट्टी मीठी लौंजी बनके तैयार है। तो चलिए फ्रेंड्स इसे अब हम निकालते हैं और इसे हम चखते भी हैं। और बता दें ये जो है ना पूड़ी पराठे के साथ बहुत टेस्टी लगता है, तो मैं तो इसे फ़िलहाल रोटी के साथ खाने वाली हूँ। तो दोस्तों देखिए आम की फर्स्ट रेसिपी ये खट्टी मीठी लौंजी बनके तैयार है, जो वाकई में इस जो गुड़ से हमने बनाए हैं ये राब से ये बहुत ज़्यादा इसे टेस्टी बनता है। तो उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। इस पूरा वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसे हम चख के भी आपको बताते हैं। मज़ा आ गया, इसका खट्टा मीठा स्वाद बहुत टेस्टी लग रहा है।